मैं इस अवसर पर अपने उन सभी सहयोगियों, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में हम जो कुछ भी कर पाए हैं यह एक टीम वर्क है और इस पूरी टीम ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने के लिए जिस नई भूमिका के साथ सुशासन, विकास और विश्वास का प्रतीक बनकर के सरकारें भी ऐसे चल सकती हैं, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। मैं इस पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी मित्रों का जिनका समय समय पर एक सकारात्मक सहयोग सरकार को चलाने में प्राप्त हुआ है। मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों का भी मैं आज के इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल के इस पहली पीसी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 19 मार्च 2017 को 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी। प्रदेश में सरकार बनने के बाद जैसे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ करके गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके शासन की योजनाओं को एक धार देनी प्रारंभ की, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदल करके उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश में सुशासन और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उस कार्य को जब दायित्व हमारी टीम के साथ सौंपा गया तो हमने उस कार्य को प्रारंभ किया था। और मैं कह सकता हूं कि 2.5 वर्ष का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश के सामने जो एक पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था उस पहचान के संकट से उभारने, शासन की विश्वसनीयता के साथ साथ सुशासन और विकास की दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। मेरे सभी सहयोगियों ने अपने अपने विभाग में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है और उस बेहतरीन करने की दिशा में आपके सामने 2.5 वर्ष के सरकार की और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियों की एक पुस्तिका अभी आप सबको उपलब्ध कराई गई है। इस पुस्तिका में डिटेल में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो संक्षिप्त में मैं विभिन्न विभागों की कुछ उपलब्धियों को यहाँ पर आपके सामने में मैं रख रहा हूँ।